कुछ बातें करनी अवश्य हो गई हैं, और जानते हैं क्यों? क्योंकि सभी कोई देश में दुविधा में है। इतने भ्रमित हम हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी झूठी बातों से कि समझ ही में नहीं आता कि किसका विश्वास करें और किसका नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अब समय आ गया है कि हम अपना चुनाव करें कि हमारे लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है। किसान, केदारनाथ और कामगार, इनके साथ मैं कहती हूँ कि खड़ी है कांग्रेस। 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था वहाँ पे एक सुई भी नहीं बनती थी, और आज आप जानते हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं। आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि एशिया पैसिफिक का जो एरिया है वहाँ पे जो बेरोज़गारी की दर है वो इतनी ज़्यादा होने वाली है कि अगले साल यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान या बाकी के जो देश हमारे आसपास के हैं, आप लोगों को अपना चुनाव इसलिए करना है ताकि जो आप लोग इस वक्त जिसमें रहते हैं ना, पूरा का पूरा एक्साइटेड रहते हैं, आज ये वाला मैटर, आज सुशांत सिंह राजपूत, आज रिया चक्रवर्ती, फिर उसके बाद आ जाती है कंगना रनौत, और इसी में जो असली मुद्दे हैं कैसे खो रहे हैं। आपको मालूम है आज चाइना के साथ मिलिट्री की जो है छठी बैठक हुई है, मगर भरोसा अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला है, अभी भी स्थिति उसी स्थिति में है जो पहले थी। खैर, मैं आपसे जो आज बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले किसान के बारे में बात करूँ, नहीं, मैं अब किसान अध्यादेश के बारे में बात करने के बजाय आज आपसे बात करना चाहती हूँ उन किसानों के बारे में जो गन्ने की फसल उगाते हैं। आपको पता है गन्ने की फसल के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, कैसे भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि MSP नहीं जा रहा, मसूर की दाल की इतनी MSP, इसकी इतनी MSP, ये सारी कहानियाँ हैं, झूठी कहानियाँ हैं, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं, भूलिएगा मत, जिन्होंने रेलवे के कर्मचारियों को ये कहा था कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल निजीकरण नहीं होगा रेलवे का, आप निश्चिंत रहिए, मैं कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करिए, और सब ने तालियाँ बजाई थी, सब ने उन पर भरोसा किया था। आपको बता दूँ कि उसके बाद जो निजीकरण हुआ है मुझे याद दिलाता है उस समय की जब इन्होंने कहा था कि अरे देश में जो है, हमारे यहां एक आदमी ऐसा था जिसने नाली में से गैस निकालकर चाय की दुकान लगा के चाय बेची। तो ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो चाय बेचे, पकौड़े तले, चाउमीन बेचे वगैरह वगैरह, और इनके अपने बच्चों को नौकरियां मिलती रहे। तो क्या आप भी ऐसा देश चाहते हैं? आप निजी स्वार्थ के लिए, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने के लिए, झूठी राष्ट्रवाद को जो इन्होंने फैलाया है उसके लिए इनकी बातों में आ जाएंगे? जो ये कह रहे हैं कितने बड़े झूठ हैं, आज आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते किस तरह से बुरे हो गए हैं, नेपाल के साथ रिश्ते इतने बुरे हो गए हैं कि मुझे हैरानी होती है। नेपाल तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं वहाँ पर, और देखिए कि मेरी पोस्ट पर कभी कभी वे आते हैं और वो लड़ते हैं, लड़ मरने को तैयार रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, हमारी जो विदेश नीतियां हैं, उनको सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। मैं इसलिए सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहती हूँ गन्ने की फसल के बारे में। आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि गन्ने की जो फसल है वो किसान क्यों उगाता है। आप में से अवश्य कुछ लोग होंगे जो इस बात को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, मैम आई एम अ सोल्जर, आपको तो वैसे ही देश जो है सलाम करता है। मैंने आज तक कभी किसी सिविलियन को सैल्यूट नहीं किया, लेकिन आज आपको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। योर वॉइस फॉर इंडियंस। जय हिंद मैम, जय हिंद। और आपको जो आप हमारे लिए करते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि गन्ने की फसल क्यों उगाता है किसान। आपने बहुत सारे डिबेट देखे होंगे, उसमें लोगों को यही नहीं पता था कि अध्यादेश में क्या है।
मैंने एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाया है जो आप अवश्य देखेगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि किसान क्या चाहता है और क्यों वो सरकार का विरोध कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि जो गन्ने की फसल है उसको आसानी से उगाया जा सकता है, ये बिना रिस्क का फसल है। जी हाँ, अगर 60 टन उगाया तो किसान जानता है कि 50 टन नहीं तो 40 टन जो है उसे मिलना ही है, तो उसको उसके पैसे भी उस 50 या 40 टन के अवश्य मिलेंगे। अब पॉलिसी जो है वो आप जानते हैं सरकार की अच्छी नहीं होती है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ इलाका जो है वहाँ पे गन्ने की खेती होती है। तो आपको बता दूँ कि गन्ने की खेती का जिक्र ही नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने और कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, जबकि गन्ने की तो इतनी फसल उगाई जाती है, 50 बीघे अगर किसी के पास होंगे तो मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जाकर के इस एरिया में कोई 5 बीघे में सरसों लगा देगा। हमारे यहां गन्ने की फसल बहुत होती है। और आपको बता दूं कि गन्ने का जो एमएसपी है उसके बारे में भी बता देती हूं, गन्ने की जो एमएसपी है वो पिछले 3 सालों से नहीं बढ़ी, और ये किसने नहीं बढ़ाई ये भी आपको बता दूं। ये सबसे पहले आपको बताऊं कि पर क्विंटल इसका रेट 285 रुपये एमएसपी है। सरकार की जो मिले हैं, और उसके बारे में भी बताऊंगी, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो है वो है 24 मिलों का। तो उत्तर प्रदेश के 24 मिलों में जो फसल, जब गन्ने की फसल डाली जाती है तो 325 रुपये मिलता है। आप कहेंगे वाह भाई वाह, मैं भी कहती हूँ वाह भाई वाह, मगर जानते हैं एमएसपी 285 और मिलने होते हैं 325, पर मिलते कब हैं जानते हैं? अभी गन्ने की खेत में जो हमारा किसान भाई है वो तैयारी कर रहा है साथियों अगले साल की फसल की, और इस साल की फसल की भुगतान को तो छोड़ दीजिए, पिछले साल के फसल की भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं करी। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे उसमें बसपा भी है, बसपा को तो बल्कि मैं ये कहूंगी कि बसपा ने सबसे ज्यादा ही जो मूल्य है वो बढ़ाया था, एमएसपी बढ़ाया था, मगर बसपा हो, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस पार्टी, इन सभी पार्टियों ने अपने अपने शासनकाल में 5 रुपये के करीब केंद्र से और 10 रुपये के करीब आप समझ लीजिए कि राज्य से बढ़ता हुआ देखा है, यानी कि टोटल 15-15 रुपये बढ़ते रहे हैं। मगर बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी की सरकार आई थी 2017 में, अब तक उन्होंने इसके दाम नहीं बढ़ाए। जी हाँ, आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं 500 रुपये कर देते आप, अगर आपको सचमुच में अपने किसान भाइयों की फिक्र है। और आपको मैंने बताया ना कि 24 मिल है और पिछले साल तक का बकाया अभी तक भुगतान जो है वो नहीं किया गया, और बकाया कितना ये सुन लीजिए, 1400 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से जब किसान भाइयों ने अभी इस कुछ 2-3 महीने पहले से इन्होंने प्रदर्शन आंदोलन करने शुरू करे, तो 500 करोड़ रुपये इन चीनी मिलों को रिलीज कर दिया सरकार ने। और 500 करोड़ का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि 19 करोड़ के करीब के हिसाब से लोगों को मिल गया पैसा, लेकिन 900 करोड़ रुपए पिछले साल का बकाया अब भी है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर कोई आप समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर 5 भाई हैं और 5 भाई में से 1 भाई तो रह गया गाँव में और 4 भाई चले गए गाँव के बाहर, जमीन सबकी है और वो जो एक भाई रहता है उस जमीन पर वो खेती करता है और उस जमीन पर वो गन्ना उगाता है या जो भी खेती करता है, होता है ना ऐसे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये होता है। अब वो जो बाहर रहते हैं भाई, उन लोगों को ये गांव वाला भाई उनका हिस्सा भी देता है, इसके बावजूद वो अपने 2 रुपये भी कमा लेता है ना। अब क्या होगा, ये जो नया कानून आया है इसमें वो सारे भाई जो बाहर रहते हैं वो कहेंगे कि हम तुम्हें अपने भाई को ये नहीं दे सकते और हम देंगे उस बड़े व्यापारी को, यानी कि भाई को भाई से भी लड़ा दिया आपने। और मैं रोज नए तथ्य आपको बताती रहूंगी जैसे जैसे मुझे समझ में आता जाएगा। अब आप समझिए कि भाई को भाई से लड़ा दिया, वो 5 भाई जो एक थे वो सब बिखर जाएंगे, ये परिवार बिखर जाएगा और जो गांव में भाई रह गया खेती करने वाला
उसके पास वो जो दो दो रुपया बच जाता था वो भी नहीं बचने वाला। तो अब ये आपको सोचना है कि ये सरकार जिस तरह की कार्यवाही कर रही है, हमें किस प्रकार से इनका विरोध करना है और क्यों करना है। जो भक्ताई करते हैं उनके बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि वे इस देश के, इस मिट्टी के, इस माँ के गद्दार हैं। जितने आते हैं इनको पैसा मिलता है, और उसके बारे में कल अवश्य बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से फेसबुक ने एडवर्टाइजमेंट जो है होने दिए, गलत एडवर्टाइजमेंट, और कितना पैसा खर्च हुआ, और इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है। खैर, दूसरे मुद्दे पे आती हूँ। हमारे कामगार, हमारे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स, हमारे भाई जो बेरोजगार हो गए हैं, कौन जिम्मेदार है उसका, उनको नौकरी कैसे दी जाएगी। आज मैं एक चैनल पर डिबेट में थी, एक महिला थी भारतीय जनता पार्टी की, बेहद मैं उनको जाहिल तो नहीं कहना चाहती, लेकिन महिला हैं इसलिए, लेकिन बहुत ही खाली चिल्लाकर ये कहना, नहीं ये गलत है, मैं आंकड़े देती हूँ, वो कहती हैं नहीं ये गलत है। तो आप समझ रहे हैं, ये सच को भी झूठ बना देते हैं, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं होते। परंतु आज जो मैं इनको देख रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, ये कहीं पे भी आते हैं ये चीखने चिल्लाने लगते हैं, मगर अब लोग भी समझ गए हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो गए हैं। और मैं अपने कामगार भाइयों को, बहनों को ये कहूँगी कि आप लोग विश्वास रखिए अपने हुनर पर, आप याद रखिए ये देश आपका है। नौजवानों को कहूँगी ये देश आपका है, हम तो केवल संरक्षक है, और आपके हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक आपको आपके अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक आपको आपकी नौकरियां ना मिल जाए। इसके अलावा तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है केदारनाथ के बारे में। यूरिया की बात आपको बता दूं, इस पर भी मैं पहले बोल चुकी हूँ एक वीडियो में, कि उसका वो जो स्कैम है वो अब भी चल रहा है, उस स्कैम को ख़त्म नहीं हुआ है, और भारतीय किसान यूनियन ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी अभी 2 महीने पहले। अब मैं जो बात करना चाहती हूँ, केदारनाथ में उत्तराखंड के एक मंत्री, उच्च शिक्षा के मंत्री गए थे, उनका नाम धन सिंह रावत, उनके साथ थी उमा भारती जी, और जानते हैं वे वहाँ से जब निकले हैं तब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव, यानी कि आपके लिए मेरे लिए अलग कानून अलग नियम और उनके लिए अलग नियम। उन्होंने वहाँ जाकर जो लोगों को खतरे में डाला है, तो उनके विरुद्ध 307 का मुकदमा होना चाहिए। आज स्वास्थ्य की टीम वहाँ गई थी, हमारे तीर्थ पुरोहित और जितने लोग वहाँ काम पे लगे हैं, जिनसे ये जिनको बुला के मिल रहे थे, उन सब का आज टेस्ट हुआ है, उसमें से अधिकतर जो है नेगेटिव आए हैं। परंतु मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि पहले दिन तो नेगेटिव आएगा ही, क्योंकि अगर ये संक्रमण आप तक पहुँचा होगा तो 4-5-6 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा, फिर ये टीम जाएगी, और कहा गया है कि टीम 4 दिन बाद जाएगी। क्या करना चाहते थे मंत्री जी? मंत्री जी के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते, उन्होंने इतने सारे लोगों के जीवन को खतरे में डाला है, उनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए, और सरकार को उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। उन्होंने लोगों को खतरे में डाला, उन्हें शर्म नहीं आई? आप देखिए कि आज मैं आपको बताऊं कि ये मुद्दा था, बेरोजगारों का मुद्दा था, बेरोजगार आज हमारी विधानसभा, उत्तराखंड की विधानसभा के बाहर थे, और हमारे 4 विधायक जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जसपुर के जो विधायक हैं जिनका नाम है आदेश चौहान जी, फिर केदारनाथ के विधायक मनोज रावत जी, और मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन जी, ये सारे जा रहे थे विधानसभा की ओर, और जा रहे थे ट्रैक्टर में। मगर अब आपको समझना पड़ेगा कि सरकार के लिए ट्रैक्टर का महत्व नहीं है। ट्रैक्टर की बात अगर आप करें तो समझ लीजिए कि ट्रैक्टर को ये देख नहीं सकते, इनके पास से इन्हें बदबू आती है, क्योंकि ये बेचारे तो खेतों में काम करने वाले लोग चलाते हैं ना। इस पर बैठ के जो विधायक जा रहे थे उनको रोक दिया गया,
पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड की सरकार की पुलिस ने उन्हें क्यों रोका? अगर वही लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते, BMW में जा रहे होते, या मर्सिडीज में जा रहे होते, या MG की किसी गाड़ी में जा रहे होते, तो बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें भेजा जाता। लेकिन हम कांग्रेस हैं और हम पीछे नहीं हटते। हम आम जनता की आवाज़ को उठाना जानते हैं, और हमारे इन विधायकों को जब रोका गया तो बैरिकेड पे बहुत तीखी झड़प हो गई इनके और पुलिस वालों के बीच में। काजी निजामुद्दीन जो है वे बैरिकेड पे चढ़ गए और इन चारों विधायकों ने बैरिकेड को बकायदा हटाने की कोशिश करी, तो बड़ी धक्का मुक्की हुई वहाँ पर। मगर आखिर में पुलिस वालों ने जब फ़ोन किया और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि इनको आने दो, तो जीत हमारी हुई। मैं ये सिंबॉलिक है मगर आपको बताती हूँ कि क्यों कह रही हूँ। फिर हमारे ये चार विधायक उस सड़क पर उस ट्रैक्टर को दौड़ाते हुए, जो बहुत बड़ा हथियार होता है हमारे किसान भाइयों का, जो हमारे किसान भाइयों का एक प्रतीक भी होता है, उसको दौड़ाते हुए सड़क पर वे पहुंचे उत्तराखंड की विधानसभा तक। और विधानसभा के गेट जब खुले और जब मैंने वो तस्वीरें देखी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे कल्याणकारी राज्य के जो जहां पे कानून बनते हैं, उस जगह पे हमारे किसान भाइयों को अवश्य और हमेशा जाना ही होगा, अपनी जो मौजूदगी है उसको दर्ज करवाना ही होगा। और जो उनकी मौजूदगी आज दर्ज करवा रहा था वो कांग्रेस के ये चार विधायक थे। और वो जो सीन है मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे किसान भाइयों की जो लड़ाई है, हमारे किसान भाई जिस चीज़ को लेकर परेशान है, उसको लेकर आज कांग्रेस आगे बढ़ी। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी। कांग्रेस इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा को मानती हूँ। मैं लोगों का लोगों से प्यार चाहती हूँ, भाईचारा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश में आपस में लड़े लोग धर्म के ऊपर। मैं आपको फिर बताऊँ, अब किसान का मुद्दा जब आया है तो आप देख लीजिए, किसान का ना कोई धर्म होता है, ना किसान की कोई जाति होती है। किसान तो बस किसान होता है, और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। किसान हमारे देश को चलाता है। किसान आपका और मेरा अन्नदाता होता है। किसान का जो मान ना करे, उसका हम सम्मान कैसे करें? किसान का जो अपमान करे, उसका तो अपमान हम करेंगे, उसको कुर्सी से हम उठाएंगे। और हम, मैं नहीं हूँ, हम आप हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। याद रखिए, वो शक्ति जो आपको वोट देने का अधिकार देती है। जिस प्रकार से किसानों के विरुद्ध ये काला कानून आया है, ये केवल किसानों के विरुद्ध नहीं आया, ये आपके विरुद्ध आया है, ये मेरे विरुद्ध आया है, ये हर गरीब भाई के विरुद्ध आया। हम बार बार सोचते हैं कि गरीबी कब जाएगी। हम बार बार गाली देते हैं अपने नेताओं को कि बस ये अपना पेट भरते रहते हैं, अपने घर भरते रहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं। और इसी यही एक कारण है कि मैं अपने निजी जीवन को एक पब्लिक लाइफ बनाया मैंने। क्यों? मैं सामाजिक कार्य करती रहती हूँ, हमेशा से करती हूँ, धरातल पे करती हूँ। मगर सामने आके अपने आप को इन गालियों के को एक्सपोज करने का कारण है, क्योंकि मैं अपने उस जवान भाई को कहना चाहती हूँ, जो भाई मेरा सैनिक है, जो सोल्जर है, क्योंकि मैं उसका मान करती हूँ, क्योंकि मैं अपने देश की सेवा में लगे हर उस व्यक्ति का मान करती हूँ। और ये मानती हूँ कि सभी मेरे देशवासी हैं। अगर कोई रास्ता भटक गया है तो उसे वापस लाना भी मेरा काम है, आपका भी काम है। हम लोगों को जागरूक करें। हमारे अगर मतभेद हैं भी तो मन भेद ना हो। जो गाली देते हैं वो भी धीरे धीरे बंद कर देंगे गाली देना, जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गई। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये भी जानते हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, मगर अब पीछे कैसे हटे? जब इतने जोर के साथ इन्होंने मोदी जी को सपोर्ट दे दिया, तो अब पीछे कैसे हटे? मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो तीर्थ पुरोहित हैं हमारे चार धाम के, 51 मंदिरों के, उन्होंने तो जिताया भारतीय जनता पार्टी को, इनका साथ क्यों दे रही हो आप? तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो वोट उन्होंने उनको दिया था
उस वक्त उन्हें लगा कि अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, मगर उनके अच्छे दिन जो हैं वो कैसे हैं वो आज देख रहे हैं। तो क्या ऐसे वक्त में मैं उनका साथ छोड़ दूं, या अगर मैं उनकी मदद कर सकती हूं तो मैं पीछे हट जाऊं? नहीं हो सकती, क्योंकि देश बड़ा होता है और देशवासियों से बनता है ये देश, और देश को बचाए रखना, देश में हर व्यक्ति का साथ देना, ये आपका और मेरा धर्म है। आपने बहुत सारे मैसेजेस करे हैं। सागर आचार्य जी कह रहे हैं जय जवान जय किसान, बिल्कुल जी, धन्यवाद सागर जी। चंद्रशेखर हिमालयन जी धन्यवाद जी जी। एक कमेंट 5 रुपए का हो चुका है आईटी सेल से, फिर भी शर्म नहीं आती भक्तों को, क्या करें, अगर हमसे हमें देखकर गाली देकर इन्हें पैसे मिलते हैं तो चलिए किसी को रोजगार तो मिलता है। अच्छा अब सुनो, दीपक मिश्रा कह रहा है सास ससुर की सेवा करो ना कि फेसबुक पर। अब देखो पता नहीं इसने क्या लिखा है, रुंदियापा, बेटा तू मत रो, ये बहुत रोता होगा, क्योंकि कोई भी बोले और लोगों को सही रास्ता दिखाए इनको बुरा लगता है, क्योंकि ये नफरत वाले हैं, ये नफरत के बीज जो इन्होंने बोए हैं, ये फसल अब जानते हैं कौन काटेगा, ये फसल इन्होंने जैसी भी काटी हो लेकिन अब काट के उखाड़ के फेंक देगा और उसका खाद बना के खत्म कर देगा हमारा किसान भाई। याद रखिएगा जय किसान। देखो अब बहुत सारे लोग कहते हैं किसान के लिए आप बात कर रही हैं, कांग्रेस ने क्या किया, अरे कांग्रेस को तो हटा दिया था ना, तो जब कांग्रेस को हटाया तो अब उनके बारे में बात करके क्या होगा भाई। कांग्रेस को इसीलिए हटाया क्योंकि आप लोग संतुष्ट नहीं थे, मगर आप लोग जानते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, याद रखिएगा ये जो अंधभक्त है ना, जो धर्म के नाम पे लड़ना, जो जो राष्ट्र झूठी राष्ट्रवाद के बारे में लड़ना, अरे तुम्हारा राष्ट्रवाद कितना दोहरा है, पाकिस्तान के लिए कुछ और चीन के लिए कुछ है, पाकिस्तान इतना सा देश और उसके मामले में इतना कूदते हो, और चाइना जब हम पर इस तरह का की कार्रवाई कर रहा, हमारी सरहदों पे प्रहार कर रहा है, तब क्या हो गया तुम्हें। मगर मैं आपको बताती हूँ ये अंधभक्त की कैटेगरी क्या है, याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ, शायद आपको किसी ने कहा ना होगा, लेकिन आज अंधभक्त की डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ। अंधभक्त वो है जिसको गुलाम बनना है, अंधभक्त वो है जो अपने अधिकार नहीं जानता, जो नहीं जानता कि वो लोकतंत्र में रहता है। आज अगर उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया तो कल उसके पास छूट है, किसी और का भी समर्थन कर सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। आपको बता दूं कि अंधभक्त वो होता है जो गुलाम होता है, और अब और ये कहता है ना जब विकल्प कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये विकल्प ढूंढ रहा है एक तानाशाह का, क्योंकि ये अभी गुलाम है एक तानाशाह का, और इसका विकल्प वो होता है जो उससे बड़ा तानाशाह आ जाए और इसको उससे बड़ा गुलाम बना दे जैसा ये आज है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। खैर मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगी, पर आप अड़े रहिए अपनी बातों पर, अपनी सोच पर, और सही सोच पर, सकारात्मक सोच पर। ऐसे अंधभक्त बेवकूफ हैं, आते रहेंगे। हमें बात करनी है कामगार, बेरोजगार, किसान और अपने तीर्थ पुरोहितों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिसका एक इंजन फूक गया है, वो उत्तराखंड में।